तक रहेगा, पाएगा। अभी हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे हैं, जहां पे किसानों ने आज किसान मजदूर एकता दिवस मनाया है। यहां पे विभिन्न संगठनों ने, चाहे वो मजदूर संगठन है या फिर वो किसान संगठन है, उन्होंने अपनी अपनी रैलियां निकाली और अपने अपने तरीके से जो है इस दिवस को मनाने की बात कही है। किसान संगठनों ने जब अपनी अपील की थी तो उन्होंने जो है किसान और जो मजदूर हैं वो उनसे दोनों से जो है ये रिक्वेस्ट की थी कि आज जो है गुरु रविदास जयंती जो है वो भी मनाई जाए और साथ के साथ में चंद्रशेखर आजाद जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी भी जयंती मनाई जाए, और दोनों की जो यहाँ पे जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। एक जो बात यहाँ पे समझने वाली है कि इस पूरे प्रोग्राम की जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है, जहाँ पे वर्कर्स और किसान दोनों आकर एग्जिट हुए हैं, उसकी क्या है, इसके लिए हमने कुछ किसानों से बात की है, सुनिए आप। हम समझते हैं कि किसान और मजदूरों की एकता के बगैर हम इस संघर्ष को जीत नहीं सकेंगे, और जो किसानों के मसले हैं वो ही मजदूरों के हैं। इन सरकार के खिलाफ लड़ना है तो किसान मजदूर और सभी लोगों को इकट्ठे कर लड़ना पड़ेगा। जो तीन काले कानून हैं जहां किसानों के खिलाफ जाते हैं, वो देश के सभी लोगों के खिलाफ, खास तौर पे मजदूर जमात के खिलाफ भी जाते हैं। हमारा पहले से ये संकल्प है कि इन बुर्जुआ सरकार के खिलाफ लड़ना है तो किसान मजदूर का एकता बनाकर लड़ना है। जो हमारे तीन दुश्मन हैं, जो देश के साम्राज्य, जंगीरदार और बड़ी सरमायदारी, वो जहाँ किसानों के दुश्मन हैं, वो मजदूरों के हैं। सभी लोगों को इकट्ठा करके इनके तीनों के खिलाफ लड़के ही हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। जो दलित वर्ग रविदास जी को मनाने के लिए स्पेशल 5 से 6 हजार लोग जो रात ही हमारे पास भी सांझी सत में रहे, सांझी सत के पीछे जो KFC है वहाँ भी लोग 5 से 6 हजार के करीब लोग स्पेशल संघू बॉर्डर में रविदास जी का जन्म दिहाड़ा मनाने के लिए आए। सी द ट्रेड यूनियन मूवमेंट सिंस द ऑर्डिनेंसेस वर ब्रॉट फ्रॉम दैट टाइम सिंस लास्ट ऑगस्ट we have been supported, and one of the demands of the 26th November strike is repeal the farm laws. So we have been trying together, and 26th November and 27th November also we have supported, the trade unions have supported the demands of the peasants, and the peasants movement has supported the demands of the working class. So now the attacks are on both the sections which produce the wealth of this country, the peasants and the workers. So on the one hand, the government has enacted the labor codes and also the three farmers. So together both the sections are in struggle, and the working class has responded to the call of the Sanyukta Kisan Morcha, and the kisans also are responding in support of the working class. So this is a historic thing, that the unity of the working class and the peasantry is developing, and in the coming days it will further strengthen. अभिषेक, एक जो सवाल है ना, कि मैं कहूँ कि आज जो है किसान यूनियन ने कॉल दिया था कि किसान मजदूर एकता दिवस मनाना है, प्राइमरीली हमें ये समझ में आता है, और जो हम किसान यूनियन की बात समझते हैं वो ये समझ में आता है कि वो जो है मंडी में काम करने वाले वर्कर्स या फिर एग्रीकल्चर वर्कर्स की बात करते हैं, लेकिन आज इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी आया है, क्या वजह है? देखिए, केवल इंडस्ट्रियल ही नहीं, बाकी भी जो वर्कर है, सरकारी क्षेत्र के वर्कर है, पीछे मेरे साथ कई सारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जो वर्कर है वो आए हैं, तो देश भर में ये कॉल गया था और देश भर में मजदूरों के बीच से एक रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि ये बात लोग समझ रहे हैं कि ये केवल किसानों की मांग नहीं, खाद्य सुरक्षा की मांग जो है वो पूरे देश को असर डालती है। खाद्य सुरक्षा की मांग देश का जो सबसे गरीब तबका है, जो मेहनत वर्ष तबका से जुड़ा हुआ है, ये तमाम मांग ऐसे हैं कि ये केवल सिर्फ किसानों की एक बात नहीं रह गई, ये आम जनता की, जो गरीब मेहनत कश, जो अडानी अंबानी पूंजीपतियों की इतर जो जनता है, ये उसके सवाल है, उस पे लोग खड़े हो रहे हैं। तो एक तरह से एक बात भी है कि ये कोई सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक साथ एकजुटता की बात है, किसान और मजदूर एक साथ आकर के एक लड़ाई लड़े, एक मुकम्मल लड़ाई लड़े। हम देख चुके हैं कि सरकार कह रही है कि बिजनेस करना उसका काम नहीं है, और इस नाम पे वो तमाम पूंजीपतियों की मदद कर रही है, तमाम सरकारी उपक्रमों को बेच रही है, तमाम श्रम कानून को खत्म कर रही है। तो ऐसी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किसानों मजदूरों की एकता की जरूरत है, और उसके लिए आज का दिन बहुत जरूरी है। आज संत रविदास की जयंती है, आज चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस है, एक जाति के खिलाफ बोल कर गए, एक ने ये कहा कि मैं आजाद हूँ और आजाद ही मरूंगा,
ये दोनों जो स्पिरिट है उसको लेते हुए किसान मजदूर का जो आज कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत जरूरी है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम और होंगे। When we talk to Kisan unions, when they talk about the workers, it is largely the workers of the mandis and the agriculture workers. Do you think the industrial workers will too join the struggle? I mean, see, we have given the call to support the peasants, and the industrial workers also have responded in a very large way. Not only physically participating in the dharnas and whatever programs, but also financially. Lakhs of rupees they have collected from all sections of industrial workers, service sector employees. So their support is there. It is not only मंडी वर्क। सानू पता जो भी साड़ी जमीन है ये जा रही है तिन्ने कानून कर रहे ने ये माड़े साडे नाल असि सोचदे आ वी साडे आउण वाली पीढ़ियां इक ना तड़पण ये रद्द होण साडे आउण वालियां पीढ़ियां बिल्कुल खत्म हो जाणगियां। सानू पता असि किवें कर्जा लै लैके किवें असि खेती करदे आ ओदे ते साडो अपनी मां है असि ओदे नाल बहुत चंगी तरह सोच के तां दिल्ली आए आ असि ऐसे आ वी साडे भैण भरा साडे साथ ने चाहे सानू मरना पै जाए दिल्ली चो नहीं जावांगे। किसानों का कानून लाया गया उसी तरह से मजदूरों का भी कानून लाया गया है और मजदूर विरोधी और किसान विरोधी ये सरकार है तो ऐसी हालत में इस तरह के कॉल की जरूरत है। मजदूर और किसान मिलकर संघर्ष करने के लिए तैयार है और उसी दृष्टि से इस कॉल को दिया गया है। मुझे लगता है आज की तारीख में किसानों और मजदूरों की एकता की जरूरत है और व्यापकतम एकता बनी है। हम इस संघर्ष को आगे लेकर जाएंगे। Thank you.